उंगली नीचे करके बात कर। आज मैं बोलूंगा, तू सुनेगा। मैं अरे गरीबों की बस्ती उजाड़ने से पहले उन गरीबों के बारे में सोच रहा था। अरे गरीब का दर्द तुम लोग क्या करो? अरे तुम तो बड़े बड़े होटल वहां पे बिल्डिंग बना दोगे, वो गरीब कहां जाएंगे? अरे वे भी माताएं और विधवा माताएं का दर्द तुम क्या जानो, जो बिना पति के अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं, उन्हें पढ़ा रही हैं, और तुम लोग चले हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने। अरे तुम तो महलों में बैठ के अच्छे अच्छे भोज खाते हो, वो गरीब सूखी रोटी के लिए तरसते हैं। कभी आके उनकी बस्ती में उन गरीबों की रात बिताते हुए देखो कि कैसे वो रात बिताते हैं। अरे जब बारिश आती है तो छत से पानी टपकता है, बेचारे वो रात कैसे गुजारते हैं, कभी सोचा है? नहीं, कभी नहीं सोचा है। और आज वहां पे बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने जा रहे हो, कभी महसूस किया है कि आदमी अपने जीवन में कितना कष्ट उठाता है, कितने कष्ट पे अपने बच्चों को पालता है? लेकिन तुम्हारे जैसे अमीर जादे इस चीज को क्या जानेंगे, क्या जानेंगे? लेकिन आज हम फैसला करके जाएंगे। अरे तुम्हारे लिए तो जुल्म करना आसान है, लेकिन जुल्म करना उतना ही कठिन है जितना एक औरत को बच्चा पैदा करने में होता है। इस दर्द को महसूस करके देखना, रात को नींद नहीं आएगी, आंखों से नींद उड़ जाएगी। और रही बात वहां होटल बनाने की, तो ये कागज है ना, इस कागज को मैं फाड़ता हूं, और कल से वहां पे जितने भी गुंडे हो, जितने भी मवाली हो, सबको भेज देना, एक हो, दस हो, बीस हो, सबको एक से एक मगर के चित कर दूंगा। आज तो तेरे चेहरे पे पानी गिराया है, अगर दोबारा एंट्री हुई तो सीधा गोली से मारूंगा। हेलो राका, सत्य आया था गरीबों का मसीहा बनके, कल का सूरज वो देखना नहीं चाहिए, समझे?